हेलो एवरीवन आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल ब्रेन क्लासेस में स्वागत है आज अपन पढ़ेंगे एंटी डिपर्सेंट्स के बारे में एंटी डिपर्सेंट क्या होते हैं एंटी एंटीडिपर्सेंट एक केमिकल या फिर ड्रग एजेंट होते हैं जो कि डिप्रेशन को दूर करने के लिए डिप्रेसिव पेशेंट को दिए जाते हैं क्या होता है एंटी डिपरसेंट? एंटी एंटीडिप्रसेंट एक केमिकल एजेंट है या फिर एक मेडिकेशन फॉर्म होती है इनकी जो कि डिप्रेसिव पेशेंट को उनकी डिप्रेशन कंडीशन से बाहर लाने के लिए डिप्रेसिव पेशेंट को दी जाती है ओके डेफिनेशन देखते हैं इसकी एंटी डिप्रेसेंट इज द मेडिकेशन यूज टू ट्रीट द डिप्रेशन कंडीशन ऑफ डिप्रेसिव पेशेंट एंटी डिप्रेसेंट क्या है मेडिकेशन है ठीक है जो कि डिप्रेशन कंडीशन को ठीक करने के लिए दी जाती है डिप्रेसिव पेशेंट को अब देखते हैं डिप्रेसिव पेशेंट क्या होता है फिर डिप्रेशिव कंडीशन क्या होती है डिप्रेसिव कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट पूरी तरीके से होपलेस हो जाता है ठीक है होपलेस हो जाता है यानी कि उसको किसी भी चीज़ के अंदर होप नहीं होती उसके सुसाइडल आइडियाज़ उसके अंदर आते रहते हैं हमेशा और उसका जो कंसनट्रेशन जो लेवल होता है वो काफ़ी कम हो जाता है और किसी भी चीज़ में वो इंटरेस्ट नहीं लेता है और इसके अलावा पूरी तरीके से वो सोसाइटी से दूर रहना पसंद करता है किसी से बात नहीं करता और जो जहाँ पे उसको एंजॉय करना चाहिए जिन एक्टिविटीज़ को उसे एंजॉय करना होता है वो उन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाता है तो ये सारे करेक्ट्रिस्टिक्स किसके हैं अपने डिप्रेशन के तो डिप्रेशन जो पेशेंट होता है उसके अंदर सारे कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं तो अब देखते हैं एंटी डिप्रसेंट ड्रग्स कौन कौन सी है जो एंटी डिपरसेंट ड्रग्स है टोटल पाँच तरीके की ड्रग्स एंटी डिप्रसेंट तरीके की है ठीक है फर्स्ट है फर्स्ट जनरेशन एंटी डिप्रसेंट और एंटी एंटीडिप्रसेंट सेकेंड सेकेंड जनरेशन एंटी डिप्रसेंट और सेलेक्टिव सेरोटोनिन रियपटेक इनहिबिटर थर्ड सेरोटोनिन नॉर एफिनफ्रिन रियपटेक इनहिबिटर फोर्थ मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनिविटर एंड फिफ्थ लास्ट एज एंड एंटी एंटीडिप्रेसेंट तो जो फर्स्ट एंड फर्स्ट जनरेशन एंटी डिप्रेसेंट और ट्राईसाइकिल एंटी डिप्रेशन जो ड्रग है ठीक है ये सबसे पहले बनाई गई एंटी डिप्रेशन ड्रग है इसलिए इनको फर्स्ट जनरेशन एंटी डिप्रेशन ड्रग कहा गया है सबसे पहले इन ड्रग्स को खोजा गया था जो डिप्रेशन के लिए जो फर्स्ट ड्रग थी वो थी फर्स्ट जनरेशन एंटी डिप्रेशन ड्रग्स ओके और जो फर्स्ट एंटी डिप्रसेंट ड्रग थी वो थी इमिप्रामाइन ओके फर्स्ट जो एंटी डिप्रसेंट ड्रग थी वो थी इमिप्रामाइन जो कि फर्स्ट जनरेशन एंटी डिप्रसेंट की ड्रग है या फिर इसे ट्राईसाइकिलिक एंटी डिप्रसेंट ड्रग के नाम से भी जाना जाता है और 1957 के अंदर सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन एंटी डिप्रसेंट को खोजा गया था ओके नेक्स्ट सेकेंड सेकेंड जनरेशन एंटी डिप्रसेंट ड्रग यानी कि फर्स्ट जनरेशन के बाद जो ड्रग आई ठीक है थोड़ी सी एक्टिवेट जो ड्रग आई वो थी है सेकंड जनरेशन एंटी डिप्रेसन ड्रग या फिर सेलेक्टिव सेरेटोनिन रियप्टिक इनिबीटर एस एस आर आई के नाम से भी इन्हें जाना जाता है आ, जो ये ड्रग्स होती है ये मेनली जो सेरोटोनिन जो आपका हॉर्मोन है ओके उसके ऊपर काम करती है सेरोटोनिन नेक्स्ट सेरोटोनिन नो रेफिनेफरिन रियप्टिक इनिबिटर ये सेरोटोनिन और नो no रेफिनेफरिन दोनों के ऊपर काम करती है ये वाली ड्रग्स नेक्स्ट मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनिबिटर लास्ट फिफ्टीज ए टाइपिकल एंटी डिप्रेशन ड्रग तो अपन पहले सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन एंटी डिप्रेशन और ट्राईसाइकिलिक एंटी डिप्रेशन ड्रग्स के बारे में जो ट्राईसाइकलिक एंटी डिप्रेशन ड्रग है या फिर फर्स्ट जनरेशन एंटी डिप्रेशन ड्रग है ये सबसे पहले खोजी गई थी वाली ड्रग्स 1957 के अंदर ये ड्रग्स खोजी गई और इसके अंदर सबसे पहले एमिप्रामाइन ड्रग सबसे पहले एंटी डिप्रेशन ड्रग थी ठीक है तो वन बाय वन इनको देखते हैं एमिट्रिप्टिन जो इसकी फर्स्ट ड्रग है ठीक है ये 200 सौ से 200 सौ दी जाती है पेशेंट को सेकंड है क्लोमीप्रामाइन ये भी 100 से 200 सौ दी जाती है थर्ड है डेसीप्रामाइन ये भी 100 से 200 सौ दी जाती है नेक्स्ट डॉक्सीपाइन 100 से 200 सौ पेशेंट को दी जाती है नेक्स्ट है एमीप्रामाइन जो कि सबसे पहले एंटी डिप्रेशन ड्रग थी ये भी सौ से दो सौ पेशेंट को दी जाती है और नेक्स्ट नॉ ट्रिप्टाइलिन सेवेंटी फाइव टू वन फिफ्टी एम जी नेक्स्ट प्रोट्रिप्टाइलिन फिफ्टीन टू फोर्टी नाइन एम जी नेक्स्ट मेप्रोट्राइलिन ओके हंड्रेड टू वन फिफ्टी एम जी ये सारी ड्रग्स कौन सी है ट्राईसाइकिलिक एंटी डिप्रेशन ड्रग्स है या फिर फर्स्ट जनरेशन एंटी डिप्रेशन ड्रग्स होती है और जो ये ड्रग है ठीक है ये ड्रग ऑफ चॉइस है डिप्रेशन की जो डिप्रेशन की जो पहली जो चॉइस होती है ड्रग देने की ठीक है किसी भी पेशेंट जो डिप्रेसिव पेशेंट है उसको अगर कोई सी ड्रग दी जाएगी सबसे पहले उसकी जो चॉइस होगी किसी भी डॉक्टर की वो कौन सी होती है फर्स्ट जनरेशन एंटी डिप्रेशन ड्रग या फिर ट्राईसाइकिलक एंटी डिप्रेशन ड्रग ड्रग ऑफ चॉइस है डिप्रेशन की नेक्स्ट है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएपटेक इनहबिटर ओके सेकेंड जनरेशन एंटी डिप्रेशन ड्रग्स इसके अंदर टोटल छः तरीके के ड्रग्स है ठीक है फर्स्ट है सीटालोप्राम ट्वेंटी टू सिक्सटी एम जी दी जाती है नेक्स्ट एस सीटालोप्राम टेन टू थर्टी एम जी नेक्स्ट फ्लूजेंथिन टें ट्वेंटी टू एट्टी एम जी नेक्स्ट फ्लू जामाइन फ्लूवोजामाइन फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड एम जी नेक्स्ट प्रोजेंथिन ट्वेंटी टू फिफ्टी एम जी लास्ट सेटालीन फिफ्टी टू टू हंड्रेड एम जी ओके ये सारी ड्रग्स कौन सी है सेकेंड जनरेशन एंटी डिप्रसेंट या फिर सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टिक इनिबेटर और जो ये ड्रग्स होती है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टिक इनिबेटर ऐसे सारे जिन्हें जिसके नाम से जानाता है ये सेकेंड ड्रग ऑफ चॉइस होती है ठीक है फर्स्ट कौन सी थी अपनी फर्स्ट जनरेशन एंटी डिपर्सेंट ड्रग और सेकेंड कौन सी है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबेटर ये सेकेंड ड्रग ऑफ चॉइस होती है ठीक है फर्स्ट कौन सी जो फर्स्ट अपनी फर्स्ट जनरेशन वाली सेकेंड जनरेशन वाली सेकेंड ड्रग ऑफ चॉइस ओके नेक्स्ट एस एन आर आई ओके एस एन आर आई क्या है सेरोटोनिन रियपटेक सॉरी सेरोटोनिन नो रेफिनेपिन डिएपटिक इनिबीटर तो इसके अंदर से ओनली एक ही ड्रग इंक्लूड की गई है वेनला फैक्जीन ओके वेनला फैक्जीन सेवेंटी फाइव टू टू ट्वेंटी फाइव एम जी ये ड्रग दी जाती है नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो जो है मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनिबीटर या फिर एम ए ओ आई के नाम से जानी जाती है इसमें टोटल चार तरीके की ड्रग इंक्लूड की गई है आइसोकार्बोक्सोजाजाइड नेक्स्ट फिनेलेजाइन नेक्स्ट सेलजिलाइन नेक्स्ट है ट्राइन ट्राइनली क्रिपोमाइन ट्रानिल क्रिप्रोमाइन ओके ये टोटल चार तरीके ड्रग्स हैं अपने मोनोमाइन ऑक्सीडी जेनिबेटर के अंदर एंड लास्ट है अपनी एटाइपिकल एंटी डिपरसेंट ड्रग एटाइपिकल एंटी डिपरसेंट ड्रग इसके अंदर दो तरीके की ड्रग इंक्लूड की की गई है बीप्रोप्राइन वन फिफ्टी टू फोर फिफ्टी एम जी एंड लास्ट नेफाजा नेफाजाडोन नेफाजाडोन नेफा टू हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड एम जी ओके तो टोटल अपनी पाँच तरीके की कैटेगरीज एंटी डिप्रेशन ड्रग्स की इंक्लूड की गई है ओके फर्स्ट जनरेशन एंटी डिप्रेशन ड्रग जो कि फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होती है डिप्रेशन की आ, या फिर इन्हें ट्राईसाइकिलक एंटी डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है सेकेंड सेकेंड जनरेशन एंटी डिप्रशेंट और सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबीटर इनको ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है मॉडरेट डिप्रेशन के अंदर या फिर सेकेंड ड्रग ऑफ चॉइस के नाम से भी इन्हें जाना जाता है ठीक है नेक्स्ट सेरोटोनिन नोरेफिनीफ्रिन रिएप्टिक इनिबीटर एंड थर्ड सॉरी फोर्थ मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनिबीटर एंड लास्ट एटापिकल एंटी डिप्रसेंट ये सारी ड्रग्स होती है ओके okay? और जो मेनली जितनी भी एंटी डिप्रसेंट ड्रग्स है ओके okay? जितनी भी एंटी डिप्रशन ड्रग्स है जो ये मोस्टली कौन से हॉर्मोस पर काम करती है अपने सेरोटोनिन नोरेफिनफ्रिन और डोपामाइन के जो रिसेप्टर्स होते हैं ठीक है इन हॉर्मोन्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं इन रिसेप्टर्स पे अपना एक्ट करती है कौन कौन से सेरोटोनिन, नॉरफिनाफ्रीन एंड लास्ट डोपामाइन इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं इनके रिसेप्टर्स पे अपना एक्ट करती है ओके इसी के साथ अपना ये वीडियो कम्प्लीट होता है नेक्स्ट अपन अगली ड्रग्स के साथ नया वीडियो बनाएंगे ठीक है थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो